वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट भी आप देखने वाले। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते कि 230 पे क्लोजिंग दी थी। यहाँ पे तकरीबन 4 पॉइंट की गिरावट, 1.71% की गिरावट यहाँ पे फ्राइडे के दिन देखने को मिली थी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक में। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के हम फोरकास्ट रिपोर्ट भी देखने वाले हैं, उसके साथ लेटेस्ट न्यूज भी चेक करेंगे और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में बेसिक अप्रोच चीजें भी देखेंगे शॉर्ट में। तो यहाँ पे आप देख सकते कि इंट्रेंसिक वैल्यू देखी जाए तो करंट प्राइस जो है वो ज़्यादा है इंट्रेंसिक वैल्यू से। आरओई वर्सेस एफडी रेट भी देखा जाए तो बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न दे रहा है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक। डिविडेंड रिटर्न देता है पर अट्रैक्टिव ऑफर नहीं करता है। एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि स्टॉक ओवरऑल जोन में नहीं है, तो एंट्री करने के लिए एक अच्छा मौका है। नो रेड फ्लैग्स फाउंड, यानी कि स्टॉक यहाँ पे एसएम जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है और तकरीबन प्रमोट होल्डिंग में ज़्यादा शेयर्स प्लेज नहीं है। तो यहाँ पे प्रो की भी चीज़ें देखी जाए तो प्रो में देख सकते हो तकरीबन डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी देखोगे तो यहाँ पे लो रहने वाले हैं। आने वाले 12 महीनों में प्रोबेबिलिटी लो रहेगी जो कि अच्छी बात है। क्वालिटी चिक्स में इंसेप्शन डाटा है पर ग्रोथ स्कोर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है ग्रोथ स्कोर में। मिड कैप का स्टॉक है, मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर चली गई है और रिस्क देखी जाए तो मीडियम रिस्क है इस स्टॉक की। की मैट्रिक्स भी देखा जाए तो पी रेशियो देख सकते हो 99 के है जो कि बहुत ही ऊपर है। टोटल डेप जो है कंपनी का वो है 11.73 करोड़ का है। तकरीबन डिविडेंड यील्ड 50.58% का और नेट इनकम 206 करोड़ की है। टोटल रेवेन्यू भी देखा जाए तो 356 करोड़ का टोटल रेवेन्यू है और टोटल एसेट्स है 981 करोड़ के। तो फॉरकास्ट रिपोर्ट के पहले यहाँ पे आप देख सकते कि लेटेस्ट न्यूज़ भी चेक करेंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ देखा जाए तो कोई लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है। तो फॉरकास्ट में देख सकते हो कि 12 एनालिस्ट की राय ली गई थी, उनमें से सिर्फ यहाँ पे 42% एनालिस्ट कहते हैं कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। प्राइस फॉरकास्ट की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। तकरीबन अभी 230 चालू है तो हाई यहाँ पे 300 तक जाने के चांसेस है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक की रेवेन्यू में बढ़ोतरी मिलने के चांसेस है, रेवेन्यू फॉरकास्ट भी बढ़ सकता है और यहाँ पे देखा जाए तो अर्निंग पर शेयर में गिरावट देखने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। पर यहाँ पे देख सकते हो कि तकरीबन होल्डिंग की भी बात की जाए तो होल्डिंग में भी देख सकते हो तकरीबन प्रमोटर होल्डिंग 0 है और म्यूचुअल फंड होल्डिंग 13.61% की है। डीआई होल्डिंग है 5.88 की और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल देखा जाए तो 27% है। रिटेल एंड पब्लिक होल्डिंग 53% की है। तो इनसाइडर बल्स डील देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन मार्च में बाइंग हुई थी तकरीबन 16.20 लाख बल्स डील में और तकरीबन फेब्रुवरी में भी बाइंग हुई थी और जनवरी में भी बाइंग हो चुकी थी। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के लिए।